स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। मैं साथी सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक यानी कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, जो कि आपके गृह विज्ञान यानी होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे किसी भी कक्षा 8, 9, 10 किसी भी कक्षा को लेकर के अपनी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 7 तक ही लेसन प्लान को लेकर बात की थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि कई सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किए थे कि मैम क्या लेसन प्लान हम किसी और तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, ये इजी वे में कर दिया है कि टॉपिक डाला है तो सीधे नाम यहाँ सामने, ठीक है, सामान्य उद्देश्य क्या है ये आपको सीधे सीधे बता दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक बीच में डाल दीजिए, ठीक है, नेम उसका नीचे रहेगा टॉपिक का, उसके बाद सामान्य उद्देश्य भी बीच में हेडिंग डालिए, उसके नीचे ये कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप कैसे लिख रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। ये जो आप लेसन प्लान तैयार करते हैं इसमें आपने क्वेश्चन कैसे पुटअप किए हैं, ठीक है, उनके आंसर, उनका उद्देश्य क्या निकल रहा है, ठीक है, समस्यात्मक प्रश्न कैसे आया, तो ये सब मैटर करता है। डज नॉट मैटर कि आप लेसन प्लान बना कैसे रहे हैं, बस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर डाल लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग डालिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जाएंगे यहाँ पर उस विद्यालय का नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो दिनांक यानी डेट का रहेगा, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कक्षा 8 को लेकर बना रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका ऐसा टॉपिक है जिसे आप कक्षा 8, 9, 10 किसी भी कक्षा के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा कॉलम आएगा वो है विषय यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम आएगा वो है चक्र यानी पीरियड, पीरियड भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट कॉलम आएगा वो है अवधि यानी टाइम पीरियड, इसे भी आप 30-35 मिनट एंड मैक्सिमम 40 मिनट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग जो आएगी वो है प्रकरण, जिसे आप टॉपिक कहते हैं। टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट, इसी से संबंधित आपका लेसन प्लान है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो दोस्तों अगर सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो आपके विषय यानी गृह विज्ञान से संबंधित होंगे। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को घरेलू कार्यों के प्रति प्रेरित करना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं को स्वच्छता संबंधी जानकारियां प्रदान करना। चौथा है छात्राओं को पोषक तत्व की जानकारी कराना। देखेंगे पांचवा पॉइंट, छात्राओं को दैनिक जीवन में ग्रहण किए जा रहे भोजन की उपयोगिता बताना। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके जनरल ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, जो कि आपकी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेकर है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है वो आपके प्रकरण यानी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होगा। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट छात्राओं को कार्बोहाइड्रेट के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में जान सकेंगी तथा उसे परिभाषित कर पाएंगी। आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य के कुछ और पॉइंट। विशिष्ट उद्देश्य का आपका तीसरा पॉइंट है छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। चौथा पॉइंट है छात्राएं कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोतों का संश्लेषण कर सकेंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर की, जो कि आपके टॉपिक से संबंधित थे। आगे देखेंगे, अगली जो हेडिंग है वो है सहायक सामग्री, जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसमें आप डालेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री यानी कक्षा में आपने पाठ को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज की है यहाँ पर वो चीजें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने शैम्पट का यूज किया, चौक, डस्टर, साथ ही पाठ से संबंधित कोई चार्ट या मॉडल या चित्र, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगली हेडिंग जो आएगी वो है पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज, छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे छात्राएं कुछ पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है प्रस्तावना प्रश्न,
प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? जब भी आप पाठ को पढ़ाते हैं तो उसे संभावित प्रश्न छात्राओं से निकलवाने के लिए प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्रा क्रिया। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे, छात्राएं उसका उत्तर देंगी। इसमें पहला क्वेश्चन आपने किया, बच्चों हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्राएं बताएंगी भोजन की आवश्यकता होती है। आपने दूसरा पॉइंट लिया, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्राएं बताएंगी भोजन शरीर को ऊर्जा व स्फूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है, यह ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि छात्राओं को इसका उत्तर नहीं पता, और हमने कहा था जब समस्यात्मक प्रश्न आएगा तभी आपका उद्देश्य कथन बनेगा। आगे देखेंगे उद्देश्य कथन। अगली हेडिंग जो डालेंगे वो है उद्देश्य कथन। इसमें आप लिखेंगे, बच्चों आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण प्रश्न। प्रस्तुतिकरण प्रश्न में आप टॉपिक बताएंगे, उसके लिए आप प्रश्न करेंगे। ठीक है, और छात्राएं उसका उत्तर देंगे। अगर उत्तर नहीं देती हैं तो आप पाठ से संबंधित पूरा स्पष्टीकरण देंगे। इसमें आप सीधे सीधे 6 कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहले आप बनाएंगे क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, चौथा है छात्रा क्रिया, पांचवा है शिक्षण विधि, छठा है श्यामपट कार्य। इसमें आप क्रम संख्या 1 डाल रहे हैं क्योंकि आप शिक्षण बिंदु पहला ले रहे हैं। मैंने कॉलम थोड़ा छोटा बना दिया है इसलिए ताकि ये सारी चीजें एक ही में आ जाए, आप इसे थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये जो कार्बोहाइड्रेट आधा आधा हो गया है पूरा एक ही में आ जाए। तो आप पहला पॉइंट देंगे कार्बोहाइड्रेट का परिचय, ये पूरा एक ही में लिखिएगा। इसमें आपने पहला प्रश्न किया, मनुष्य को समस्त क्रियाओं हेतु बहुत आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? छात्रा बताएंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, ऊर्जा मुख्य रूप से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है? समस्यात्मक प्रश्न हुआ तो छात्राएं सोचते हुए मौन हो गई। अब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आपने बताया, शारीरिक कार्यों को करने हेतु सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत श्वेताशार एवं शर्करा 2 तत्व होते हैं। दोनों ही तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया, छात्राएं इसी स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपने पाठ संबंधित व्याख्या की या स्पष्टीकरण दिया इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप कर रहे थे इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। देखेंगे अगला शिक्षण बिंदु। ठीक है, तो क्रम संख्या में आप डालेंगे पॉइंट 2 क्योंकि आप दूसरा शिक्षण बिंदु ले रहे हैं। इसमें आपने लिया, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के स्रोत यानी किन तरीकों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसमें छात्र अध्यापिका क्वेश्चन करेंगी। ठीक है, आपने प्रश्न किया, कार्बोहाइड्रेट किन भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है? छात्राएं सोचते हुए मौन हो गई क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं आता। यहाँ प्रश्न उत्तर चल रहा है इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आप स्पष्टीकरण देंगे जब छात्राएं मौन हो जाए। ठीक है, इस बार आपने बताया, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, मकई आदि तथा इनसे बने उत्पादों से प्राप्त होता है। सभी दालों, मीठे फलों, कंद वाली सब्जियों जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, शलजम, चीनी, गुड़ आदि इनके प्रमुख स्रोत हैं। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। ठीक है, ये छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। आपने पाठ संबंधित व्याख्या की या स्पष्टीकरण दिया इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई, और श्याम पटकार के लिए बिल्कुल आप कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिख करके थोड़े डायग्राम बना दीजिएगा, जैसे मक्का बना दिया, चीनी, ठीक है, चावल और गेहूं, ये प्रमुख स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये डायग्राम पसंद आया हो। आगे देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। इसमें आपने पहला प्रश्न किया, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। छात्राओं ने उत्तर दिया, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य जो है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये छात्राओं ने बताया। यहाँ आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, ऊर्जा के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के और कौन कौन से कार्य हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि छात्राओं को सिर्फ ये पता है कि ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है कैल्शियम के शोषण में, तीसरा है वसा के संचय में,
चौथा है प्रोटीन की बचत में, पांचवा है मल विसर्जन में, छठा है आवश्यक तत्वों के स्रोत, सातवां पॉइंट है शारीरिक ताप नियंत्रण आदि में। तो दोस्तों ये थी कार्बोहाइड्रेट की कुछ प्रमुख कार्य, ठीक है। इसी स्पष्टीकरण को छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ भी आप पाठ से संबंधित व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो दोस्तों आप इन पॉइंटों को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो पॉज करके आप इन्हें बिल्कुल आराम से अपने लेसन प्लान के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये स्पष्टीकरण यानी प्रस्तुतिकरण प्रश्न आपको समझ में आए हैं। आगे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है बोधात्मक प्रश्न। ये बच्चों को जांचने के लिए ही कितना उन्हें कुछ समझ में आया जो भी आपने स्पष्टीकरण दिया या प्रस्तुतिकरण में प्रश्न किए, ठीक है। उसके लिए आप प्रश्न देंगे, उसमें आपने पहला प्रश्न दिया ऊर्जा का मुख्य पोषक तत्व है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत बताइए, तीसरा है चीनी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, चौथा है सभी मीठे फलों में क्या पाया जाता है। बोधात्मक प्रश्न आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है श्याम पट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। क्या कुछ आप ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को बताए हैं, एग्जामिनर देखता है कभी कभी आपके लेसन प्लान में, ठीक है। तो बिल्कुल इसके लिए आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेंसिल से इसको आप मेंशन करिएगा। सबसे पहले दिनांक डाल लीजिएगा, उसके बाद विषय, विषय आपका गृह विज्ञान है, प्रकरण यानी टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, क्लास 8, ठीक है, चक्र है प्रथम, अवधि 35 मिनट। इसमें आप पहला प्रश्न दे रहे हैं सभी मीठे फलों में क्या पाया जाता है, उत्तर में आप लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख स्रोत बताइए, कौन कौन से स्रोत हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे मक्का बना दीजिएगा, चावल, गेहूं, चीनी, ठीक है। और अगर डायग्राम नहीं बना पा रहे तो बिल्कुल आप कॉमा कर करके लिख दीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाए ही, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए खुद बनाया है। तो आगे देखेंगे जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे जब छात्राध्यापिका श्यामपट सारांश करने हेतु देंगी तब इसी कार्य को सभी छात्राएं अपनी मूल्यांकन पुस्तिका में करेंगी तथा छात्राध्यापिका कक्षा का निरीक्षण करते हुए छात्राओं की आवश्यकता अनुसार सहायता भी प्रदान करेंगी। तो ये था निरीक्षण कार्य जो कि छात्राध्यापिका यानी आप लोग करेंगी, ठीक है। अगली हेडिंग देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। दोस्तों इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या अभ्यास कार्य भी डाल सकते हैं। अभ्यास कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को पुनः पाठ को दोबारा दोहरवाया जा सके, ठीक है, उसका अभ्यास कराया जा सके, इसलिए पुनरावृत्ति प्रश्न देते हैं। इसमें आप दे दीजिएगा सही गलत पर निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न दिया कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख पोषक तत्व तो माना जाता है, ये सही है कि गलत, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देंगे कार्बोहाइड्रेट मल विसर्जन में सहायक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई पुनरावृत्ति प्रश्नों को लेकर के। अगली हेडिंग देखेंगे, उसके बाद जो अगली हेडिंग डालेंगे वो है होमवर्क यानी गृह कार्य। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दीजिएगा, जैसे आपने पहला दिया कार्बोहाइड्रेट का संक्षिप्त परिचय दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत बताइए। ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 8 कम्प्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लेसन प्लान को लेकर के जो कि आपके स्वास्थ्य पर रिलेटेड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।